पठान मेरी जान मैं इश्क का किसी किसी को आता है जान। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, उड़ने के बाद परिंदे करते हैं मदन चोपड़ा, टूटे हुए पर नहीं याद कर वो रेस का मैदान। अरे तुमने तो अपना चेला नहीं माना था, लेकिन मैंने तुम्हें अपना गुरु मानकर अपनी जीती हुई बाजी अपने नाम कर ली, क्योंकि वो रेस तो आप ये सब डांस वगैरह सीखे कहाँ से सूरज भाई? ना तो स्किप कर करके मैं भी ऐसा ऐसा एक्टिंग वगैरह करता था, तो आईना के सामने तो कभी वो चेहरा वगैरह वैसा करके, तो धीरे धीरे क्या है मतलब वो गुरु है तो उनसे हम लोग सीखते हैं। भाई अगर मैं आपसे पोल पूछूं, शाहरुख खान और सलमान खान ये दोनों में रेटिंग में आप चूज करना चाहो तो आप किसको चूज कीजिए? हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। तो आज हमारे साथ कौन है? सूरज भाई, क्योंकि हम लोग काफी दिनों से जान पहचान है और काफी अच्छा फ्रेंडशिप है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में भाई का जर्नी बताने वाला हूँ। लाइक आप लोग काफी लोग सोचते होंगे भाई कहाँ का रहने वाला है, इनका नाम क्या है, इनका एक्शन मतलब आप लोग कहीं ना कहीं ये शक्ल देख रखे होंगे आप लोग, ठीक है। भाई काफी ज्यादा फेमस है, इस इंडिया गेट पे काफी दिन आए रहते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को पूरा फुल रिवील करने वाले हैं, भाई का नाम क्या है, कहाँ का रहने वाले हैं, इनका ड्रीम क्या है, आगे क्या करने वाले हैं, कब से कर रहे हैं, सारा जानकारी आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग अगर मिलना चाहते हैं कैसे मिल सकते हैं भाई से, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, आप लोग बस वीडियो में बने रहना, ठीक है। तो भाई कैसे है भाई? बढ़िया है, काफी दिनों बाद मिले हम लोग फ्रेंडशिप ही है। तो भाई आपसे हम जानना चाहते हैं और ऑडियंस काफी दिनों से जानना चाहती है आपसे, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सूरज कुमार, प्यार से मुझे छोटा शाहरुख बोलते हैं और पब्लिकली मुझे नया नाम दिया छोटा शाहरुख। तो आप कहीं ना कहीं इनको देखे होंगे, जरूर देखे होंगे, ठीक है। तो भाई मेरा नेक्स्ट सवाल है, आपका आगे का ड्रीम क्या, मतलब इस टाइप से कितने दिन से ये सब कर रहे हैं आप? मैं करीब 3-4 साल हो गए, और टिकटॉक के समय में मैंने ये काम स्टार्ट किया था, जर्नी अपना। अच्छा, मतलब टिकटॉक से जर्नी स्टार्ट हुआ? टिकटॉक से स्टार्ट हुआ जर्नी, और टिकटॉक तो बैन हो गया है, तो इस बात की बहुत अफसोस है। तो मैंने एक नया सोशल मीडिया में अपना कदम अजमाया है, वो है इंस्टाग्राम। भाई कई सारे लोग हैं और सोशल मीडिया में ज़्यादा लोग वीडियो बनाते हैं और बहुत सारे लोग अभी के टाइम पे फेमस हो रहे हैं, और मैं करीब 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ, और जो भी है आप लोगों को भी जो दिख रहा है वही हो। तो मतलब आप वीडियो बनाने के लिए कभी देखते हैं आपको, आए दिन असूरी में देखते, कभी मुंबई में आप रहते, कभी दिल्ली में रहते, तो मतलब ट्रेवल करते रहते होंगे? हाँ, ट्रेवल तो मैं करते रहता हूँ, क्योंकि लोगों को चाहिए नया नया लोकेशन, तो लोगों को और भी पसंद आएगा, तो मैं ट्रेवल करते रहता हूँ। मतलब तो काफी अच्छा काम करे। अगर भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख जाएगा, ठीक है। आप अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, ठीक है। और भाई मेरा नेक्स्ट सवाल है, आपका घर से कितना सपोर्ट है, मतलब ये जो काम कर रहे हैं आपके घर वाले सही बोलते हैं, गलत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है? देखा जाए तो अगर पहली बार अगर हम लोग इस सोशल मीडिया से अगर काम कर रहे हैं, तो घर वाले क्या, सबके घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि मतलब ये सब जो लाइन है, मतलब उन लोगों को समझ में नहीं आता है। उन लोगों का कहना है कि मतलब या तो पढ़ाई करो या पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करो, तो घर लोग से ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता है। लेकिन अभी के फिलहाल में मतलब मेरी जो फैमिली है वो समझ रही है और सपोर्ट हर तरह से हो रही है। हाँ, जब आप करने लगोगे ना, मेरे साथ भी ऐसा ही फिल्म हुआ था, स्टार्टिंग में लोग काफ़ी भला बुरा बोलते हैं, जब पैसा कमाने लगोगे ना तो सब सही हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाता है। तो भाई मेरा नेक्स्ट सवाल है, आपके शक्ल के जैसा हम शाहरुख खान के हम शक्ल के जैसा काफ़ी लोग इंडिया में, तो आप सारे लोग के साथ हम देखते रहते हैं, उन लोग के साथ में भी आप बनाते हैं, और एक और पाकिस्तान, आप लोग को अगर पता नहीं होगा तो भाई अभी ना आपको कोई ऐसा म्यूजिक करके दिखाएंगे या परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, बिल्कुल लगेगा आप लोग को ना शाहरुख खान ही है, जैसे ऐसे भाई लोग करते हैं, एक पोज है यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ऐसे करते ना गजब कर लेते भाई। तो मैं आप लोग के साथ भी दिखाना चाहता हूँ भाई जो कर लेते, एक दो डायलॉग आपको बोल के दिखाएंगे, ठीक है। मैं सबसे पहले मैं सिग्नेचर स्टेप मैं आप लोग को दिखाता हूँ, है ना, क्योंकि बहुत ही फेमस है, तो आप लोग थोड़ा जिम करना, ठीक है। तुमने मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत की है, स्टेप और डायलॉग रहे तो मैं डायलॉग आप लोग बता रहा हूँ। बाजीगर का जो भी बहुत मोस्ट फेमस है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, उड़ने के बाद परिंदे करते हैं मदन चोपड़ा, टूटे हुए पर नहीं याद कर वो रेस का मैदान। अरे तुमने तो अपना चेला नहीं माना था, लेकिन मैंने तुम्हें अपना गुरु मानकर अपनी जीती हुई बाजी अपने नाम कर ली, क्योंकि वो रेस की ट्रॉफी मेरी मंजिल थी ये कुर्सी। वक्त आज उसी जगह पे आके ठहर गया, कल तू वहां था, आज मैं यहाँ पे हूँ। आप जो शायद कुछ ना 1 साल या 2 साल पहले आप मुंबई गए थे कुछ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के या फिर कुछ सीखने वगैरह परफॉर्मेंस वगैरह के लिए गए थे, तो उसका क्या हुआ वो मैं जानना चाहता हूँ। वो मैंने स्टार्ट किया था और अभी चल ही रहा है वो, तो कई सारे जो डायरेक्टर्स हैं, कई सारे प्रोजेक्ट को लेकर वो निकले हुए आउट ऑफ इंडिया, तो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो जैसे ही काम आएगा वैसे मैं चला जाऊंगा। आप लोगों की देन है और बाकी सब सही है, बढ़िया है, मोहब्बत है। इनको मैं 3 साल से जानता हूँ और 3 साल से दोस्ती भी है,
और हम लोग अब जाके जितने भी हो सपोर्ट करना भाई को, बहुत अच्छा है। लव यू दोस्त, लव यू भाई, और इनके सारे बहुत सारे टीम। एक बड़े बहुत खुशी इस बात के लिए कि इन्होंने अपना टाइम निकाल कर आए मेरे साथ मिलने, हम लोग भी मिल रहे हैं बहुत दिनों के बाद। तो इसी तरह आप लोग प्यार हमेशा बनाए रखना और इनको सपोर्ट करते रहना। और गाइस आप लोग ना सूरज भाई के रिलेटेड कोई भी सवाल होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट ब्लॉग बना दूंगा इंटरव्यू वाला। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। ओके गाइस, आज का इंटरव्यू आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना।